नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। 1 फरवरी को आम बजट पेश होना है। जाहिर सी बात है कि सरकार के अंतिम दिनों में पेश होने वाले बजट के लोक लुभावन होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। जीएसटी और नोटबंदी को लेकर मचे बवाल के बाद केंद्र सरकार देश की आम आवाम के लिए बजट में क्या घोषणाएं करने वाली है, ये तो 1 फरवरी को तय होगा। लेकिन देश के हालातों पर गौर किया जाए तो कई सेक्टर आज भी सरकार के रहमोकरम का इंतजार कर रहे हैं। एक फरवरी को पेश होने वाले देश के आम बजट को लेकर मोदी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। सरकार का ये आखिरी फुल बजट होगा क्योंकि 2019 में आम चुनाव होने हैं। देखिए एक रिपोर्ट। हलवा सेरेमनी के साथ ही देश के आम बजट की छपाई शुरू हो गई है। बजट के हर पहलू पर गौर करने और उसे एक जगह समेटने की जिम्मेदारी पहले के मुकाबले नई टीम पर है। बजट टीम की अगुवाई मंझे हुए वित्त सचिव हंसमुख अढ़िया कर रहे हैं। अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर माना जा रहा था कि यह बजट लोक लुभावन हो सकता है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहे गए बयान के बाद कि लोगों को मुफ्त की चीजें नहीं बल्कि ईमानदार शासन पसंद है, अब कयास लग रहा है कि आखिर कैसा होगा यह बजट। क्या प्रधानमंत्री लोक लुभावन की बजाय सरकार की नीतियों को लेकर स्पष्ट रुख पर काम करना चाह रहे हैं? माना जा रहा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली की सबसे बड़ी प्राथमिकता राजकोषीय घाटे का 3.2% का लक्ष्य हासिल करना है। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि चुनावी वर्ष में सरकार खजाना न खोले ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं। ऐसे में जेटली के सामने एक बड़ी चुनौती राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को सामने रख महंगाई और विकास दर में संतुलन बिठाना होगा। एक दलील यह भी है कि पिछले बजट में राजकोषीय घाटा 3.5% था। ऐसे में अगर सरकार चाहे तो इसे लक्ष्य के कुछ नजदीक यानी कि 3.4% या 3.3% तक भी ला सकती है, क्योंकि उसे अगले साल चुनावी वर्ष में इसे 3% रखने के लक्ष्य के नजदीक लाने में आसानी हो सकती है। सरकार यह कतई नहीं चाहेगी कि चुनावी वर्ष में विपक्ष उस पर महंगाई बढ़ाने की तोहमत लगाए। इसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर सरकार को अपने अंतिम पूर्णकालिक बजट में जवाब देना होगा, जिनमें किसानों से संबंधित मामले, युवा रोजगार, मध्यम वर्ग की सरकार से उम्मीदें, स्टॉक मार्केट, औद्योगिक क्षेत्र और आयकर। ये वो मामले हैं जो देश में सबसे ज्यादा गर्म हैं। गुजरात चुनाव में ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की हार के बाद यह सवाल उठने लगा है कि देश भर में कृषि क्षेत्र में छाए संकट को दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है। याद रहे कि पिछले बजट में सरकार ने अगले 5 वर्षों में यानी 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन कृषि विकास दर में कमी इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के पूरा होने पर सवारिया निशान लगा रहे हैं। किसानों की आत्महत्या और उपज के सही दाम न मिल पाना राज्य सरकारों के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी के लिए यह ज्यादा बड़ी परेशानी है क्योंकि सहयोगियों के साथ 19 राज्यों में उसकी सरकार है। वहीं युवाओं को रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मोदी सरकार को अगले चुनाव में कई सवालों के जवाब देने हैं। हालांकि पीएम मोदी कह रहे हैं रोजगार के आंकड़े जुटाने के तरीके ठीक नहीं हैं और वो स्वरोजगार के बढ़े अवसरों का जिक्र करते हैं, लेकिन बजट एक ऐसा अंतिम अवसर है जिसमें सरकार युवाओं के रोजगार को बढ़ाने के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है।
हर चुनाव से पहले मध्यम वर्ग बड़ी आस से सरकार की ओर देखता है। हालांकि जीएसटी लगने के बाद अप्रत्यक्ष कर अब बजट का हिस्सा नहीं होंगे। ऐसे में मध्यम वर्ग की पूरी आशा प्रत्यक्ष कर यानी आयकर पर आकर टिक जाती है। वैसे इतिहास गवाह है कि चुनाव से पहले के अंतिम पूर्ण बजट में सरकारें मध्य वर्ग को आयकर की दरों में कोई बड़ी राहत देने से बचती रही हैं। बजट लोक लुभावन न होने के पीएम मोदी के इशारे से भी मध्यम वर्ग की उम्मीदों को झटका लगा है। हालांकि जानकार कहते हैं कि हाल के सारे चुनाव में बीजेपी का मजबूती से साथ देने वाले मध्यम वर्ग को दरकिनार करना सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि संभावना व्यक्त की जा रही है कि आयकर की दरों में मामूली राहत जरूर मिलेगी। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाने से लेकर टैक्स सेविंग का दायरा बढ़ाने और होम लोन के इंटरेस्ट पर बड़ी राहत की उम्मीद कर रहा है। इसके तहत इकोनॉमिस्ट से लेकर इंडस्ट्री बॉडी ने सरकार से कहा है कि वह 2.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करे। इसी तरह 80C के तहत 1.50 लाख रुपए तक मिलने वाली छूट को 2 लाख किया जाए। ऐसे ही बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर भी जेटली राहत दें। आकलन है कि इस साल के मध्य तक भारत की अर्थव्यवस्था चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगी। चुनावी वर्ष में सरकार के लिए अपनी पीठ थपथपाने का यह एक बड़ा मौका हो सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि सरकार चुनावी वर्ष में खर्च करने के लिए पैसा कहां से लाएगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 1 फरवरी को मोदी सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट आम आवाम के लिए कितना राहत भरा होगा। न्यूज इंडिया स्पेशल डेस्क से कुमार राकेश की रिपोर्ट। तो बजट को लेकर हर किसी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। जयपुर में आम बजट को लेकर आमजन से बात की हमारे संवाददाता पिंटू सिंह ने। मोदी सरकार का चौथा आम बजट 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगे। चौथा ही आम बजट होगा। काफी लोगों को उम्मीदें हैं नरेंद्र मोदी सरकार की इस बजट से कि महंगाई कम हो, टैक्स में राहत मिले, सब कुछ। और लेकिन इससे पहले कि पीएम मोदी ने एक बार फिर इस बार ये कह चुके हैं वो खुद की इस बार का जो बजट होगा वो लोभ लुभावना नहीं होगा। अब देखना ये है कि लोगों को किस प्रकार की उम्मीद है इस बजट से। हमारे पास कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या लगता है किस प्रकार का बजट होना चाहिए? बजट आम आदमी के फायदेमंद होना चाहिए। और मैं तो चूंकि एक बिजनेसमैन हूं तो हम तो अपना ये देख रहे हैं कि जीएसटी में कुछ सरलीकरण हो जाए। और मोदी जी ने एक वादा किया था कि वो इनकम टैक्स को ख़त्म करेंगे, तो हमें ये उम्मीद है कि इस बजट में इनकम टैक्स को ख़त्म करके उसकी जगह जो बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स लाने वाले हैं वो लेकर आए और कुछ बिजनेस के लिए पॉजिटिव माहौल बने देश के अंदर। आज राजस्थान में ये स्थिति है, कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया नहीं कट रहा, कोई नई इंडस्ट्रीज नहीं आ रही। ये सब जीएसटी और नोटबंदी के बाद जो उसके साइड इफेक्ट है वो अभी दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर जीएसटी और नोटबंदी के बाद में व्यापारियों में भी नाराजगी है और एक राहत इनको कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए इस बजट में। अब देखना है कि मोदी जी इनको राहत मिलती है नहीं मिलती है। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने एक बार कह दिया है कि इस बार का बजट लोभ लुभावना नहीं होगा, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला होगा। लेकिन इससे पहले भी उन्होंने जो बजट पेश किए थे उन बारे में कहा गया था कि ये बजट जो है जो डोज काफ़ी कड़वी डोज है और इस कड़वी डोज का फायदा होगा कि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार की महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, उस सब चीजों को देखते हुए राहत मिलनी चाहिए। और हम कुछ लोगों से, युवाओं से बात करते हैं, क्या लगता है आपको किस प्रकार का बजट होना चाहिए? सर, बजट इस प्रकार का होना चाहिए कि जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है नोटबंदी और जीएसटी के बाद, व्यापारियों में व्यापारियों का काम कम हो रहा है, इंडस्ट्रियां बंद होने में के कगार पे आ गई है, इंडस्ट्रियां इस तरह की हो गई है कि अब सभी लोगों को अपनी लेबर्स हटाने पड़ रहे हैं। लेबर हटाने के साथ साथ में उनके पास कुछ खाने पीने का कुछ नहीं है। इस बार मोदी जी को इस प्रकार का कोई बजट लेके आना चाहिए जिससे लोग रोजगारी बेरोजगारी खत्म हो जाए और रोजगार बढ़ने चाहिए। सारे जो युवा पीढ़ी है वो भटक रही है इस वक्त, जिससे व्यापार अपने देश का बढ़े। आप विदेशी व्यापारियों को यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं,
सबसे पहले आपको यहाँ के व्यापारियों पर ध्यान देना चाहिए कि उनकी एक्चुअल समस्या क्या है। बाकी आप अगर अच्छा बजट लाते हैं तो सभी व्यापारियों का समर्थन रहेगा। मोदी सरकार ने महंगाई 2014 लोकसभा में महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा था, महंगाई पर चुनाव लड़ा गया था महंगाई खत्म करने को लेकर, लेकिन 4 साल में महंगाई कितनी कम हुई नहीं हुई इन पर हम चर्चा करेंगे कि महंगाई का कितना असर है, क्या महंगाई और कम होनी चाहिए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये जो बजट आ रहा है बिल्कुल इस पर सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, महंगाई दर को भी ध्यान में रखते हुए। हालांकि बिल्कुल मोदी साहब कह चुके हैं कि लोक लुभावना नहीं होगा, लेकिन बजट में सभी वर्गों का सभी तबकों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि GST और नोटबंदी के बाद में व्यापार में निश्चित तौर पर मंदी देखी जा रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों को उम्मीद है कि थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि मध्यम वर्ग है वो निश्चित तौर पर एक राहत चाहता है कि टैक्स स्लैब में भी राहत मिले और रोजगार भी बढ़े। अब देखना ये है कि 1 फरवरी को जो बजट आ रहा है लोगों को कितनी राहत मिलती है। कैमरा पर्सन दिनेश पारिक के साथ पिंटू सिंह, न्यूज इंडिया, जयपुर। केंद्रीय बजट जो 17-18 का आएगा, 18-19 का, उसमें खास करके फोकस होगा कृषि, किसान, यूथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके ऊपर ज़्यादा केंद्रित रहेगा। किसान और कृषि की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रायकर ये अगले साल चुनाव होंगे, कृषकों की आर्थिक स्थिति जैसा उम्मीद थी बढ़ेगी, और जो बढ़ना चाहिए भी, क्योंकि कृषि की उपज से और कृषक के पास अगर पैसा होता तो उससे डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो बाज़ार बढ़ता है, कारखाने भी चलते हैं, टर्नओवर भी, बिक्री ज़्यादा होती है। और कृषि की पैदावार जो अब तक सोचते थे कि 4% के आसपास आएगी, 4% के आसपास आ नहीं रही है, लिहाजा किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी मिलने की बात है, उन्नत बीज मिलने की बात है, सिंचाई की परियोजनाएं हैं, इनके ऊपर ज़्यादा, सड़कों का निर्माण है गाँव से। तो देखा आपने कि आम लोगों की क्या कुछ राय है, वो क्या कुछ उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। वहीं कुछ लोगों से बात की हमारी संवाददाता करिश्मा ने। वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश करने वाले हैं। नोटबंदी के बाद ये दूसरा बजट है, वहीं GST के बाद ये पहला बजट है। जितना ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतीपूर्ण है, उतना ही आम लोगों के लिए ये उम्मीदों का बजट है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ ऐसे ही व्यापारी मौजूद हैं, कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये बजट है उनके लिए कितनी उम्मीदों भरा है। बजट पेश होने वाला है, कितनी उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए इस बार के बजट में? मेरी तो सबसे पहली राय ये है कि इस बजट का इफेक्ट, क्योंकि नेक्स्ट ईयर चुनाव भी हैं और पब्लिक के ऊपर सीधा सीधा पड़ना चाहिए, और यदि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को GST के दायरे में लाया जाता है तो उससे ओवरऑल जितनी भी महंगाई है उसके ऊपर असर होगा, और सब चीज़ों के दाम जैसे कम होंगे और पब्लिक को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। इसी प्रकार गैस वगैरह को भी इसी में लाना चाहिए। अच्छा, बजट की हम बात करें, GST के बाद ये पहला बजट है, तो कितनी राहत मिलेगी लोगों को? आप क्या चाहते हैं कि लोगों को किस क्षेत्र में राहत मिलनी चाहिए, चाहे वो उद्योग जगत हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की बात हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, किस क्षेत्र में आप राहत चाहते हैं? सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है कुटीर उद्योग। भारत में GST के बाद कुटीर उद्योग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। आज हिंदुस्तान के लेवल की जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जो टैक्स उनको लग रहा है, वही जो 50 लाख का व्यापार करता है साल भर में, उसको टैक्स वही लग रहा है। कुटीर उद्योग के लिए राहत की घोषणा वित्त मंत्री जी को करनी चाहिए। भारत का दिल गांव में बसता है, भारत गांव के भरोसे चलता है, कुटीर उद्योग को सबसे ज़्यादा राहत मिलनी चाहिए, और इनकम टैक्स में जो लिमिट है उसको वित्त मंत्री जी को ज़रूर बढ़ाना चाहिए। अच्छा, हम पर्यटन विभाग की बात करें, होटल इंडस्ट्री की बात करें, लोगों में कहीं ना कहीं GST के बाद ये था कि टिकट्स महंगी हो गई हैं, होटल्स की बुकिंग महंगी हो गई है, तो आपको लगता है ये जो बजट पेश होगा वो कहीं ना कहीं होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म जो विभाग है उसको कहीं ना कहीं राहत देगा? राहत देनी चाहिए, ऐसा वित्त मंत्री जी से मैं उम्मीद करता हूँ कि होटल इंडस्ट्री को भी राहत देनी चाहिए, टूरिज्म में जो अभी टिकट्स बढ़ाने की बात आई है, टिकट्स के रेट्स बढ़ाने की बात आई है, उसमें कहीं ना कहीं
टूरिस्ट तो एक बार आके देख के चला जाता है, लेकिन लोकल आदमी अगर अपनी फैमिली के साथ जाके देखना चाहे तो उसके ऊपर काफ़ी भार पड़ता है उस चीज़ का, और टिकट्स के रेट्स भी कम होने चाहिए और ओवरऑल जीएसटी का स्लैब कम होना चाहिए, जिससे ये हो कि हर आम आदमी को राहत मिल सके। और कहीं ना कहीं जैसे भाई साहब ने कहा, हमारे अशोक जी ने, कि इनकम टैक्स का स्लैब, मैं तो सीधा ये उम्मीद करूंगा कि 2.5 लाख से बढ़ा के अगर 5 लाख कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे यहाँ पे क्योंकि जीएसटी के बाद ये पहला बजट है, वही उसके बाद चुनाव हैं, 8 राज्यों में चुनाव हैं, तो कितना प्रभाव पड़ेगा चुनावों पर, राज्यों पर, और कितना सही है कितना गलत है जो ये बजट आने वाला है, कितना उसका सही प्रभाव पड़ने वाला और कितना नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है? ये बजट से चुनावों को लिंक करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि किसी ज़माने में बजट पेश होता था, एक इमेज बनाते थे लोग बाग कि अब इलेक्शन है, ये आएगा वो आएगा। अब इलेक्शन एक रूटीन है, आते हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, और सरकारों का काम करने का तरीका मोर और लेस एक फेडरल स्ट्रक्चर के तहत ही काम होता है, इसलिए सरकारों का आना और सरकारों का जाना इस बजट से कोई लिंक नहीं रखता मेरे हिसाब से। तो देखा आपने, ये तो थे हमारे समाज के ऐसे लोग जिन्होंने बताया कि जो आम बजट है, जो बजट पेश होने वाला है वित्त मंत्री की तरफ से, वो ऐसा बजट होना चाहिए जो कुटीर उद्योग हो, टूरिज्म विभाग हो, गृहिणियाँ हो या फिर उद्योग जगत, सभी में राहत देने वाला हो। अब देखने वाली बात ये है कि आने वाले समय में जो बजट पेश होने वाला है वो कितनी राहत देता है भारत के देशवासियों को। कैमरा पर्सन सुरेश तानिया के साथ करिश्मा वर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो वहीं रांची में आमजन से बात की और बजट को लेकर चर्चा की हमारे संवाददाता सूरज कुमार ने। झारखंड की रघुवर सरकार ने तो अपना बजट पेश कर दिया, कुछ ही दिन के बाद केंद्र सरकार का बजट आने वाला है और इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी रांची में, युवा चेहरा आप देख रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ दिन के बाद केंद्र सरकार जो बजट ला रही है वो कैसा होना चाहिए, खासकर झारखंड के लोगों के लिए। केंद्र सरकार का बजट आना, क्या कुछ होना चाहिए उस बजट में? हम लोग को सिर्फ इतना ही कहना है कि जितना भी बजट लोग पेश कर रहे हैं, हम लोग को रियायत मिलना चाहिए। जो भी पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, उसमें हम लोग को कुछ सब्सिडी मिले कि हम लोग भी अपना ये बेनिफिट हम लोग भी ले सके। आप बताइए कैसा होना चाहिए बजट, और केंद्र सरकार का जो बजट अभी आना है, राज्य सरकार ने तो अपना बजट पेश कर दिया, केंद्र सरकार का बजट कैसा होना चाहिए? यहाँ आम जनता के लिए यातायात का प्रावधान होना चाहिए, जैसे रेल का किराया कम होना चाहिए, बस का किराया कम होना चाहिए, और जो डीजल पेट्रोल का जो महंगाई बढ़ रहा है ये कम होना चाहिए, और नौजवानों के लिए और बेरोजगार लोगों के लिए उद्योग होना चाहिए। कहा जाता है कि इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण होती है खाद्यान्न, मानी खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, क्या लगता है कि केंद्र सरकार का जो बजट आना है इसमें कुछ रियायत मिलेगी लोगों को? हाँ, मिलना चाहिए बजट के अनुसार, जैसे रेस्टोरेंट में, खाने पीने में, घरेलू सामान में कम से कम रियायत मिलना चाहिए। बजट हम लोग के अनुकूल होना चाहिए। आप बताएं कैसा होना चाहिए बजट? सबसे पहली बात तो हम लोग जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, तो इन लोगों के लिए रोजगार की सुविधा बहुत जरूरी आना, और हमारे केंद्र सरकार ने वादा भी किया था कि मैं रोजगार दूंगा, जो अभी तक हम लोगों को मिला नहीं है और हम लोग अभी तक बेरोजगार की तरह घूम रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार के बजट में युवाओं को फोकस करेगी सरकार? मुझे तो कुछ लग नहीं रहा कि युवकों के लिए भी कुछ सरकार कर रही है, लेकिन करनी चाहिए सरकार को कुछ युवकों के लिए, और जो यातायात है उसके लिए सोचना पड़ेगा कि किराया कुछ कम हो, डीजल पेट्रोल का रेट कुछ कम हो, जिससे जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं उनको कुछ रियायत मिलेगी। बिल्कुल, ये रांची के लोगों की मांग है। इनका कहना है कि राज्य सरकार ने जो अपना बजट तो पेश किया, लेकिन केंद्र सरकार का जो बजट आना उसमें आम लोगों को रियायत मिले, चाहे खाद्यान्न की बात हो या फिर पेट्रोल की बात हो या डीजल की बात हो या फिर यातायात सुविधाओं की बात हो। अब ये देखना कि जो केंद्र सरकार जो अपना बजट पेश करने वाली है उसमें झारखंड को क्या कुछ लाभ मिलता है। कैमरामैन बैजनाथ बतो के साथ सूरज, न्यूज इंडिया, रांची। और इधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी आमजन से राय जानी हमारे संवाददाता पुनीत मोहन ने।
आगामी 1 फरवरी को बजट आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया है कि अब की बार का बजट लोक लुभावना नहीं होगा। इस समय हम लखनऊ के लालबाग मार्केट में हैं। ये कार बाजार मार्केट है। व्यापारी वर्ग बजट से क्या उम्मीदें रखता है? हमारे साथ में कुछ व्यापारी भाई हैं, उनसे जानेंगे कि वो बजट से आखिर क्या उम्मीद रखते हैं। सर, बजट आ रहा है, क्या उम्मीद रखते हैं बजट से? भाई हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि जो GST इन्होंने लगा रखा है 28% का, हम लोगों के ऊपर जितना भी माल है 28% टैक्स है, उसको उठा के थोड़ा सा 18% की लेवल में सारे हमारे आइटम आ जाएं, तो हम लोग यहाँ बिक्री भी इस समय कम है, बिल्कुल खत्म के बराबर है, काम है नहीं। आजकल हम लोग सड़क पे बैठे हुए, ये देख लीजिए हाल है। GST आपका मुख्य मुद्दा है कि बजट में GST कम होना चाहिए, अदर टैक्सेस जो आप दे रहे हैं GST के? टैक्स तो हम लोग दे रहे हैं, वो टैक्स तो हम लोग अभी भी दे रहे हैं, पहले भी दे रहे थे, अब भी देंगे, आगे भी देते रहेंगे। यानी GST आने के बाद में जो एक बात थी कि वन नेशन वन टैक्स, वो नहीं हुआ है। सर आप बताइए, कैसा बजट आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं बजट में सस्ता? हम लोग तो देखिए, हम लोग तो व्यापारी इस समय बहुत परेशान है GST आने के बाद, और बैंक में जितने भी चार्जेस लग रहे हैं वगैरह वगैरह, उससे हम लोग बहुत परेशान हैं। दूसरे ये कि माल की आवागमन बहुत कम हो गया है, भाड़ा ज़्यादा लगने लगा है, GST में जो 28% हम लोग का टैक्स है वो बहुत परेशान कर रहा है, उसको जो है कम से कम लाया जाए, जिससे हम लोग व्यापार करने में। आप माल भाड़े में छूट चाह रहे हैं कि माल भाड़े में छूट हो, आप बताइए सर, बजट आने हैं, क्या चाहते हैं आपकी बजट में क्या सस्ता हो? बजट में सर हर चीज़ सस्ती हो जाए, ये है। हर चीज में आप क्या चाहते हैं, जरूरत की कौन सी चीजें ऐसे जो सस्ती होनी चाहिए? जरूरत चीज में ऐसा मोटर जो अपना कारोबार यही है, जो कारोबार सस्ता होगा तो हर चीज सस्ती होगी अपने आप, ये है। और जब सामान सस्ता होगा तो लोग आएंगे बनवाने। हम लोग तो इस समय तो बिल्कुल फ्री है, कोई काम नहीं है, पिछले 8-10 महीने से हम लोगों को समझ लीजिए परेशानी। तो देखा आपने कि किस तरीके से लोगों की उम्मीदें हैं इस बार सरकार से बजट को लेकर। देखना अहम होगा कि सरकार कितना खड़ा उतर पाती है इन सभी की उम्मीदों पर। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।